लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, हमारी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट जीतने वाली है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। कांग्रेस को यात्रा निकाल रही है, जहां जहां उनकी यात्रा जा रही है कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। बीएसपी का कोई अता पता नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे समाज सेवी जिनका नाम कपूरी ठाकुर है, उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। ये 56 इंच के सीने में दम था जो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया गया है। सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कल राज्यसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए, जिसमें 4 ओबीसी वर्ग के नेता हैं, बाकी 3 सामान्य वर्ग के हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास करने वाली 2024 में हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का दावा करते हैं। 2047 तक विकसित भारत बनाना है और 1000 साल की नींव डालनी है। 100 में 60% वोट हमारा है, बाकी 40 में बंटवारा है और उसमें भी हमारा है। आज जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच चल रही है तो ये लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जो परिवारवाद की राजनीति करते थे वो आज पीडीए की बात कर रहे हैं। अरे बाकी सब तो मोदी कर देंगे, सब कमल का बटन दबा देना। जय श्री राम। इंडिया इंडिया वाला गठबंधन टूट रहा है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।